इस फिल्म की शुरुआत चार्ली बैबेट से होती है, जो कि लॉस एंजलिस में एक कार डीलर होता है। चार्ली ने अपने कस्टमर से डाउन पेमेंट लेकर और खुद लोन उठाकर चार लैम्बोर्गिनी कार्स मंगवाई होती हैं, पर ये कार्स ईपीए की तरफ से पोर्ट पर रोक दी गई होती हैं। ईपीए यूएस की एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कार्स को पॉल्यूशन एनवायरमेंट के लिए सर्टिफाई करती है। चार्ली का एक छोटा सा ऑफिस होता है जिसमें खुद चार्ली, उसकी गर्लफ्रेंड सोजाना और उसका एक फ्रेंड लेनी काम करते हैं। चार्ली के कस्टमर्स उससे अपनी डाउन पेमेंट वापस मांग रहे होते हैं। चार्ली अपने कस्टमर्स को प्रॉमिस करता है कि वो कार्स जल्द ही ईपीए से सर्टिफाई हो जाएंगी और उनको डिलीवर कर दी जाएंगी। इसके बाद चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड सुजाना के साथ डेट के लिए निकलता है, पर तभी उसको लेनी का फोन आता है और वो बताता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और कल उनका फ्यूनरल है। इसके बाद चार्ली सुजाना के साथ अपने डैड की फ्यूनरल पर पहुंचता है। फ्यूनरल के बाद चार्ली को मालूम चलता है कि उसके डैड अपनी बेशुमार दौलत में से उसके लिए सिर्फ एक विंटेज कार और एक फूल का गुलदस्ता छोड़कर गए हैं और अपनी $3 मिलियन की प्रॉपर्टी किसी अननेम्ड ट्रस्टी के नाम कर गए हैं। चार्ली को पता लगाने पर मालूम चलता है कि वो अननेम्ड ट्रस्टी किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन में है। इसके बाद चार्ली उस मेंटल इंस्टीट्यूशन में जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके बड़े भाई रेमंड से होती है। रेमंड दिमागी तौर पर पूरी तरह से ठीक नहीं होता है और ऑटिस्टिक सेवेंट होता है, यानी कि वो दूसरों से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है और उसका खुद का एक अपना स्केड्यूल होता है। ऑटिस्टिक सेवेंट दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं और वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। चार्ली को आज पहली बार मालूम चलता है कि उसका एक बड़ा भाई भी है और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी शॉक्ड था। डॉक्टर ब्रूनर, जो कि इस इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं, चार्ली को बताते हैं कि रेमंड ही वो अननेम्ड ट्रस्टी है जिसके नाम पर $3 मिलियन हैं। वो चार्ली से कहते हैं पर रेमंड को मनी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसे तो ये तक नहीं पता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। चार्ली इसके बाद रेमंड के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है और इसे घुमाने के बहाने इंस्टीट्यूशन से भगाकर अपने साथ ले जाता है। चार्ली रेमंड को लेकर एक होटल में स्टे करने लगता है। रेमंड होटल में रहने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि रेमंड को अपने सेट स्केड्यूल पर चीज़ें करनी होती हैं और वो उनके लिए काफ़ी जिद करने लगता है, जिससे चार्ली काफ़ी चढ़ जाता है और उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। चार्ली का उसके भाई के लिए ये रूड बिहेवियर देखकर सुजाना चार्ली से नाराज़ हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम सिर्फ दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हो, और वो उसे छोड़कर चली जाती है। इसके अगले दिन चार्ली और रेमंड रेस्टोरेंट में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। चार्ली डॉक्टर ब्रूनर को फ़ोन लगाकर कहता है कि अब से रेमंड इंस्टीट्यूशन में ना रहकर उसके साथ रहेगा और उसको $3 मिलियन में से अपने हिस्से के $1.5 मिलियन चाहिए होंगे, तभी वो रेमंड को वापस लाएगा। डॉक्टर ब्रूनर इस बात के लिए मना कर देते हैं और चार्ली उनसे कहता है कि रेमंड उसका भाई है और वो इसको किडनैपिंग साबित नहीं कर पाएंगे, उसको आधे पैसे चाहिए ही होंगे, तभी वो रेमंड को इंस्टीट्यूशन में वापस लाएगा, अदरवाइज वो उनको कोर्ट में देख लेगा। रेस्टोरेंट से जाते वक्त रेमंड के टकराने से वेटरेस के हाथ से टूथपिक्स नीचे गिर जाती हैं और रेमंड एक बार में ही वो सारी की सारी काउंट कर लेता है। पहले तो चार्ली और वेटरेस उसकी बात को हल्के में लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई इतनी जल्दी टूथपिक्स कैसे काउंट कर सकता है। पर जब वेटरेस टूथपिक्स काउंट करती है तो मालूम चलता है कि वो एग्जैक्ट उतनी ही हैं जितनी रेमंड ने बताई हैं। ये देखकर चार्ली रेमंड से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। इसका अगला सीन एयरपोर्ट का दिखाते हैं, जहाँ चार्ली रेमंड के साथ लॉस एंजलिस के लिए निकलने वाला होता है। चार्ली यहाँ पर लेनी से बात करता है। लेनी उसको बताता है कि कस्टमर्स को अब और ज़्यादा रोकना आसान नहीं हो पा रहा है और उन्हें अपनी डाउन पेमेंट वापस चाहिए या कार्स चाहिए। चार्ली उससे कैसे भी करके उनको समझाने के लिए कहता है और थोड़ा टाइम और देने के लिए समझाता है। इसके बाद रेमंड वहाँ पर फ्लाइट से जाने से मना कर देता है। रेमंड कहता है कि जिस एयरलाइन से हम लोग जा रहे हैं ये पहले क्रैश हो चुकी थी और ये इसमें जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो चार्ली कहता है कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी एयरलाइन से जाएंगे। चार्ली यहाँ पर उसको दूसरी एयरलाइंस के नाम गिनाता है, पर रेमंड यहाँ पर उन सारी एयरलाइंस के भी क्रैश एक्सीडेंट्स गिनवा देता है, क्योंकि रेमंड के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो जिस भी चीज़ को एक बार पढ़ लेता है वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलता और उसने एयरलाइंस के बारे में काफ़ी पहले पढ़ रखा था। चार्ली यहाँ पर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो रेमंड को ज़बरदस्ती ले जाने लगता है, पर रेमंड वहाँ पर चिल्लाने लगता है, जिससे डरकर चार्ली को उसकी बात माननी पड़ती है। चार्ली इसके बाद रेमंड के साथ अपनी कार ड्राइव करके लॉस एंजलिस के लिए निकलता है,
पर चार्ली की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई थी। हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हो रखा था और जिससे सारी गाड़ियों को आगे जाने से रोक दिया गया था। ये देखकर रेमंड घबरा जाता है और कार से जाने की बजाय पैदल आगे बढ़ने लगता है। चार्ली बहुत मुश्किल से उसको समझा पाता है और उसको गाड़ी के अंदर बैठाता है। नेक्स्ट डे बारिश हो रही होती है और रेमंड बारिश में ट्रेवल करने से मना कर देता है। चार्ली यहाँ पर काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि उस पूरे दिन बारिश होती है और चार्ली को ना चाहते हुए भी होटल में स्टे करना पड़ता है। नेक्स्ट डे चार्ली रेमंड को लेकर आगे बढ़ता है और बीच में गाड़ी रोककर फोन बूथ पर फोन करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि रेमंड गाड़ी से निकलकर कहीं चला गया है। चार्ली बहुत मुश्किल से रेमंड को ढूंढता है और उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। इसके बाद चार्ली रेमंड को लेकर एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। यहाँ डॉक्टर के क्वेश्चंस करने पर उसे रेमंड के अंदर एक बेहतरीन स्किल का पता लगता है। डॉक्टर रेमंड से बड़े बड़े कैलकुलेशंस पूछता है और वो सब के सब बिल्कुल एग्जैक्ट बता देता है, जिसे देखकर चार्ली काफ़ी इम्प्रेस होता है और वो कहता है कि रेमंड को नासा ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस तो बड़े बड़े मैथमेशियंस भी नहीं बता पाते हैं। चार्ली इसके बाद रेमंड के साथ एक मोटल में स्टे करता है और वो रेमंड से पूछता है कि तुम इन चीज़ों को इतनी जल्दी कैसे फिगर आउट कर लेते हो। रेमंड बताता है कि उसको खुद को नहीं पता है, वो बस काउंट कर लेता है। चार्ली को यहाँ पर रेमंड के पास से एक काफ़ी पुराना फोटो मिलता है जिसमें चार्ली काफ़ी छोटा होता है और अपने डैड के साथ खड़ा होता है। चार्ली को मालूम चलता है कि वो अपने बचपन में जिस इंसान को रेन मैन बोलता था वो और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई रेमंड ही है, क्योंकि चार्ली उस टाइम पर 3 साल का था और वो रेमंड की जगह रेन मैन बोला करता था। यहाँ पर बात करते करते चार्ली हॉट वाटर का टैप ऑन कर देता है जिससे रेमंड हॉट वाटर देखते ही काफ़ी पैनिक हो जाता है और अब चार्ली को एक बचपन का इंसिडेंट मालूम चलता है जब रेमंड ने उसे हॉट वाटर से बचाया था पर डैड ने रेमंड को इसका जिम्मेदार मानते हुए उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया था। चार्ली अब धीरे धीरे अपने भाई रेमंड को समझने लग गया था। वो अपने बड़े भाई को एक रेडियो टीवी लाकर देता है क्योंकि रेमंड बार बार अपने सेट स्केड्यूल पर टीवी देखने की जिद कर रहा था। चार्ली को इसके बाद काफ़ी बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसकी मंगाई कार्स EPA से सर्टिफाई नहीं हो पाती हैं और उसके कस्टमर उससे अपना डाउन पेमेंट वापस मांग रहे होते हैं। चार्ली के ऊपर अब टोटल $80,000 का कर्जा हो गया था। चार्ली इसके बाद रेमंड की काउंटिंग स्किल्स को परखने के लिए अपनी कार के बोनट्स पर कार्ड्स बिखेरता है और फिर आधे कार्ड्स उठाकर रेमंड से उनके नंबर्स पूछता है। रेमंड यहाँ पर बिल्कुल सही कार्ड्स बताता है कि कौन से कार्ड्स के बोनट पे हैं और कौन से चार्ली के हाथ में हैं। अब चार्ली के दिमाग में एक अमेजिंग आइडिया आता है। चार्ली रेमंड को कार्ड्स खेलना सिखाता है और रेमंड को अच्छे से तैयार करके कसिनो लेकर जाता है। यहाँ रेमंड काफ़ी अच्छा खेलता है और आज इन दोनों ने कसिनो में $86,000 जीत लिए हैं, जिससे आसपास के लोग भी इनके गेम को देखने लगते हैं और बिल्कुल सरप्राइज्ड होते हैं। चार्ली आज रेमंड से काफ़ी खुश होता है। उसका जो $80,000 का कर्जा था आज वो उसने उतार दिया है। इसके बाद चार्ली रेमंड के साथ एक लग्जूरियस होटल में स्टे करता है और उसको डांस करना सिखाता है। थोड़ी देर में यहाँ पर सुजाना भी चार्ली की लाइफ में वापस आ जाती है। चार्ली नेक्स्ट डे दोबारा से रेमंड और सुजाना के साथ कसिनो में जाता है पर कसिनो का मैनेजर उसको आगे खेलने से मना कर देता है और कहता है कि तुम अगर कसिनो के आसपास भी दिखाई दोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद चार्ली फाइनली रेमंड को लेकर लॉस एंजलिस में अपने घर पर आ जाता है। इसके एक दो दिन बाद ही डॉक्टर ब्रूनर भी लॉस एंजलिस पहुँच जाते हैं और चार्ली से मिलकर रेमंड की कस्टडी वापस करने के लिए कहते हैं। वो चार्ली को $2,50,000 का चेक देते हैं और कहते हैं कि वो रेमंड को दोबारा से इंस्टीट्यूशन वापस भेज दे क्योंकि वही जगह रेमंड के रहने के लिए बेस्ट है और उन्होंने उसके डैड से प्रॉमिस भी किया था कि वो रेमंड का हमेशा ख्याल रखेंगे। चार्ली यहाँ पर उनके इस चेक को ठुकरा देता है और कहता है कि अब उसे अपने डैड की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस अपने भाई की कस्टडी चाहता है ताकि वो हमेशा उसके साथ रह सके। इसके अगले दिन डॉक्टर ब्रूनर कोर्ट की तरफ से भेजे गए एक साइकोलॉजिस्ट को लाते हैं जो कि ये डिसाइड करेगा कि रेमंड की कस्टडी चार्ली को मिलनी चाहिए या मेंटल इंस्टीट्यूशन को। साइकोलॉजिस्ट के कई बार पूछने पर भी रेमंड क्लियरली जवाब नहीं दे पाता है कि वो अपने भाई के साथ स्टे करना चाहता है या इंस्टीट्यूशन वापस जाना चाहता है। साइकोलॉजिस्ट रेमंड से बार बार घुमाकर क्वेश्चन करने लगते हैं जिससे रेमंड काफ़ी परेशान होने लगता है। चार्ली रेमंड को देखते हुए इंटरोगेशन रुकवा देता है और अभी तक हुए क्वेश्चंस पर ही डिसाइड करने के लिए कहता है। चार्ली को कहीं ना कहीं लग गया था कि वो शायद रेमंड की कस्टडी नहीं ले पाएगा तो वो अपने भाई से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम अपना बड़ा भाई पाकर।
इसके बाद चार्ली रेमंड की कस्टडी हार गया होता है और इसके अगले दिन वो रेमंड को डॉक्टर ब्रूनर के साथ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आता है। रेमंड ट्रेन बोर्ड करता है और चार्ली उससे कहता है कि वो हर 2 हफ्ते में उससे मिलने के लिए ज़रूर आया करेगा। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जल्द मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।